इसमें ना अभी जस्ट अभी पानी पिया था और इस ऐसी बन गया मतलब। हाँ इतनी ठंड शायद ही कभी हुई होगी। कल रात ना सबसे ठंडी रात थी अभी तक की, -12 तक का टेम्परेचर था, पूरा तेल भी जम चुका है। देख सकते हैं आप, वाओ। स्वागत है आपका एक और कैंपिंग ब्लॉग में। आज फिर से सुनो कैंपिंग होने वाली है अपनी। पहले हम इस स्टॉप पर आए थे लेकिन यहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो अभी डिसाइड किया हम लोगों ने कि यहाँ से हम लगभग 100 मीटर नीचे उतर के इस वाले गहराई में जाएंगे। यहाँ पर हवा भी कम चलेगी क्योंकि यहाँ पर मौसम ख़राब ही हो रहा है और हवा भी चल सकती है, तो यहाँ पर नाइट में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम सोच रहे हैं यहाँ से नीचे उतर के इस वाले एरिया में कहीं पर टेंट लगाएंगे और नाइट कैंपिंग करेंगे आज यहाँ पर। यहाँ चलते हैं अभी। तो अपना टेंट पिच हो चुका है अभी, यहाँ पे पीछे स्नोफॉल भी होना स्टार्ट हो चुका है, तो मौसम ख़राब होने वाला है यहाँ पे। तो जल्द से एक बार खाना बना लेते हैं क्योंकि हम सुबह से ट्रैक करते हुए आए हैं, तो अभी तक नाश्ते में बस मैगी खाई थी, तो उसके बाद कुछ खाया भी नहीं है। तो एक बार खाने का देख लेते हैं, लंच बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं पानी आनी ढूंढना है हमें। पानी तो मिल जाएगा वहाँ पीछे में, स्नो मेल्ट होके बह रहा है, आ रहा है पानी नीचे, तो वहाँ से पानी इकट्ठा कर लेंगे। तो पहले खाना बना लेते हैं सामान अंदर करके। अब हम लंच बना रहे हैं आज, भाई भाई की बारी है, तो क्या बना रहे हैं आज? आज खिचड़ी बनाते हैं फिर। हाँ यहाँ पे अब और चीज़ें तो पॉसिबल है नहीं, आज यहाँ पर लेके नहीं आ सकते बहुत सी चीज़ें, तो खाने का जो रहता है अपना बेसिक मैगी हो गया, पास्ता हो गया, तो पकौड़े बना लिए, सब्जी बिस्किट विस्किट हो गया, फिर आप नेक्स्ट बारी खिचड़ी खाएंगे आज। आज अपनी जो है रेस्ट की बारी है, अपना काम कल वाला था, कल मैंने खाना भी बनाया, आज मेरी बारी है। तो स्टार्ट करते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं, कटिंग स्टार्ट करते हैं और खिचड़ी बनाते हैं। आप बाहर पे धूप खिली हुई है लेकिन हवा बहुत तेज चल रही है यहाँ पे।
पानी को फिल्टर करने के लिए ऐसा टेक्निक यूज कर रहे हैं। नीचे हमने एक वो लगा रखा है फिल्टर वाला, ऊपर से पानी डाल के ये हो जाएगा फिल्टर। तो हमारी अभी खिचड़ी बन रही है, आज अंदर बैठ कुकिंग कर रहे हैं तो गर्मी लग रही है क्योंकि धूप टेंट पे पड़ रही है, तो अंदर तक इसकी गर्मी फील हो रही है, तो बड़ा मज़ा आ रहा है आज कुकिंग करने में। क्यों मज़ा आ रहा है आज गर्मी में? मज़ा आ रहा है खाना बनाने में, है ना? बहुत दिन हो गए ठंडी ठंडी में, आज गर्मी में बनाते हैं हमारे। बिल्कुल हल्दी पहले तो मैं मिक्स कर लेता हूँ ना। खिचड़ी पीली बननी चाहिए ना, तो कलरफुल होना चाहिए। धनिया बहुत है। अब आएगी मिर्च। तीखा चलेगा आज? हाँ तीखा चलेगा, ज्यादा मत डाल ना भाई। जब तक हमारा लंच बन रहा है तब तक हम यहाँ पे पानी के लिए उपाय करेंगे। ऊपर से पानी स्नो मेल्ट होके आ रहा है, पूरी धारा बनी हुई है यहाँ पे। तो हम जो ऊपर से स्नो मेल्ट होके पानी आ रहा है ना, उसको यहाँ पे रोकने के लिए स्नो का यूज करेंगे। यहाँ पे स्नो की एक दीवार बना लेंगे ना नीचे। तो ये बनेगी अपनी पानी की तालाब, इसमें पानी स्टोर होता रहेगा। अब हम यहाँ से भर के बस सामने टेंट है अपना, यहाँ तक लेके जाएंगे। और मौसम यहाँ पे अब ख़राब होना स्टार्ट हो गया। उससे अच्छा वाटर सोर्स मिल गया, जो बहुत बहता हुआ पानी आ रहा है, तो इसी को भर लेंगे। ज़्यादा ही गंदा तो होगा ही, बट इसको उबालने के बाद फिल्टर करने के बाद यूज़ कर लेंगे हम। वाह फूल आ गई और ऑलमोस्ट पकने वाली है ना, थोड़ी सी बची है। खिचड़ी रेडी है अपनी, अब सर्व कर रहे हैं। बन चुकी है खिचड़ी, एकदम फूल आ गई इसमें और अच्छे से पक भी गई। अच्छी बात यह कि पक गई थी अच्छे से, अब खाते हैं। और बाहर पे स्नोफॉल होना भी स्टार्ट हो गया हल्का हल्का, मजा दिखाते हैं आपको यार। खाना खाने के बाद ना स्नोफॉल का मजा लेने वाले हम। लंच कर लें एक बार, भूख तगड़ी लगी। बिरयानी टाइप की बन गई भाई, बिरयानी टाइप की मस्त वेज बिरयानी। ऐसी लोकेशन पे ना ऐसी खिचड़ी यार बहुत कम खाने को मिलती है, खाने को मिलती है, बनाना पॉसिबल भी है नहीं भाई। इतनी मस्त खिचड़ी
लेकिन क्या करें फिर, एक सिलेंडर पूरा खत्म भी हो गया मतलब। हाँ ये तो है ही, वो तो लकी गई। वाह मजा आ गया भाई। सही बना है। अब बनाया मैंने तो खुद की तारीफ तो मैं कर नहीं सकता। बिरयानी फेल है। एक चीज मिस है इसमें, अचार। ओ सॉरी है, हमारे पास अचार लेके आना भाई। मजा आ गया शीरी में। बस बस तो सीन कुछ ऐसा हो गया, अभी लंच के बाद ना मौसम एकदम से चेंज हो गया है। लंच जब हम लंच करते उस टाइम पे हल्की धूप थी, अब मौसम बन रहा है स्नोफॉल वाला। पीछे पूरा स्नोफॉल होना स्टार्ट हो गया पीछे वाले पहाड़ियों में, पंचगिरी साइड में, और उम्मीद है यहाँ पे भी जल्दी स्नोफॉल होगी। तो सारे कपड़े पहन लिए हमने गर्म वाले, आप वेट कर रहे हैं बस स्नोफॉल हो जाए एक बार। ज़्यादा हमारा लंच हो चुका है, अभी टेंट के अंदर बैठ रहे हैं, हम बैठे हुए हैं, अब वेट कर रहे हैं स्नोफॉल का, देखते हैं कब तक होती है। होगी नहीं होगी होता क्या लगता है? पक्का लो, देखते हैं क्या होता है। ज़्यादा ठंड भी बढ़ रही है, अब हवा भी चल रही है थोड़ी बहुत, फिलहाल इतनी ज़्यादा है नहीं हवा, देखते हैं कब तक होती सुनो बोल, बस वेट कर रहे हैं। तो यार बाहर का मौसम फिलहाल बारिश का, तो बारिश और स्नोफॉल का बना हुआ है, लेकिन कभी बन रहा है कभी और धूप, मतलब मौसम क्लियर हो रहा है, देखते हैं क्या होता है। अभी अगर दिन ढलते ढलते स्नोफॉल हो गए तो मज़ा आ जाएगा, रात में होगी तो फिर यार कोई मजे वाली बात होगी नहीं। फिलहाल वेट कर लेते हैं, क्या पता हो जाए रात अपने पास और कल सुबह तक भी हो जाए ना, मज़ा आएगा। फिलहाल रेस्ट करते हैं। हल्की स्नोफॉल होनी स्टार्ट हो गई, आप देख सकते टेंट पर पड़ रही हैं, हल्की हल्की स्नो यहाँ पर गिरनी स्टार्ट हुई है। अभी हो सकता है अभी बढ़ जाइए, अभी हल्की हल्की हो रही है और ठंड भी बढ़ गई एकदम ज़्यादा। फिलहाल जब तक स्नोफॉल ना होना अच्छे से, तब तक टेंट के अंदर ही बैठना पड़ेगा क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है अभी, देख सकते हैं आप। वाह बस हैवी होना स्टार्ट हो गया, क्यों ज़्यादा वजह से स्नोफॉल होनी चाहिए अब। ज़्यादा भाई लोग अंदर बैठे हुए हैं एकदम, ठंड से हालत ख़राब है इनकी, तो ये अंदर ही बैठे हुए हैं। अचानक यार ठंड हो गई है ना, मौसम चेंज होने। टाइम शाम के 5 बज रहे हैं और स्नोफॉल तो हुई नहीं, फिलहाल मौसम तो बना हुआ है स्नोफॉल का। तब तक हम यार बाहर पे जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि बहुत ठंड है, तो अंदर हमारी बन रही है चाय। उसके लिए वही जो रोज़ बनता है, रोज़ करते हैं हम, स्नो मेल्ट करके पानी बनाओ फिर चाय बनाओ। और भाई लोग ही बैठे हुए हैं यहाँ पे, देखते हैं यार स्नोफॉल का इंतज़ार करते हैं। थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो रही है अभी, दिखाता हूँ मैं बाहर आपको कैसा मौसम बना है। धूप एकदम नीचे पहाड़ों पर और सामने साइड पे तो ठीक ठाक मौसम बना हुआ है, बर्फबारी भी हो रही है पीछे। तो पहले चाय बना लेते हैं, चाय पीते हैं अभी ठंडे मौसम में गर्म चाय। बहुत टाइम लग गया चाय बनने में, ठंडा इतना है ना, हाथ सुन पड़ रहे हैं। शाम की चाय पी जा रही है अपनी, अभी जाके धूप थोड़ी और खिली है, अब लास्ट टाइम है, इसके बाद सनसेट हो जाएगा। Thank you.
तो एक और शाम और फिर से बॉन फायर की तैयारी। देखते देखते रात हो चुकी है यहाँ पे और आग जला रहे हैं हम। अब बिना आग के यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत टफ है, तो पहले आग जला लेते हैं। और अभी मौसम एकदम क्लियर हो गया तो आप ठंड लगेगी ज़्यादा, तो आग जलाना ज़रूरी है। जब से हमने इस ट्रिप की स्टार्ट की है ना, तो हर दिन हमने पहला काम वही किया शाम को, पहले स्नो मेल्ट करो, फिर पानी बनाओ, उसको उबालो, फिल्टर करो, तब तक ये काम में आता है। पानी ज़रूरी भी है क्योंकि इतने हाई एल्टीट्यूड पे पानी मिलना इस टाइम पे मार्च के टाइम पे ना पॉसिबल नहीं होता, तो एक स्नो ही होता है जो यहाँ पे उपलब्ध रहता है इस टाइम पे, तो उससे ही पानी बना रहे हैं हम आज भी। तो इसमें हमारा 2 से 3 घंटा हर दिन लगता है शाम के टाइम। तो आपने देखा होगा जैसे हमने चाय पी थी उसके बाद शूट नहीं कर पाए थे हम, क्योंकि इस दौरान हमने लकड़ियाँ ढूंढी, पत्थर लगाए, चूल्हा बनाया पत्थर लगा के नीचे इस वाले एरिया में, थोड़ा जंगल है बहुत नीचे उतर के, वहाँ से बस 10 से 12 लकड़ियाँ मिली हमें, उसी से आज हमें पानी उबालना है और फिर खाना बनाना है। तो पहले पानी एक बार फिल्टर करके उबाल के पानी रेडी करते हैं, उसके बाद डिनर बनाएंगे आज। और यहाँ पे आज ठंड बहुत ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि बहुत टॉप में है, जहाँ पे हमने कल करी थी वहाँ पे साइड से पूरा कवर था तो हवा कम चल रही थी, यहाँ पे बहुत हवा चलेगी। तो आज देखते हैं, रात को ठंड तो बहुत लगने वाली है। तो यहाँ पे हमने इस पर चढ़ा रखी है दाल बॉईल कर रहे हैं, और ऊपर से ना उसके ऊपर गर्म पानी रख दिया, गर्म पानी डाल के उबल रही है दाल। ओ भाई, दाल उबल रही है बेटा, ये पानी राइस बनाते समय काम आ जाएगा ना। हाँ, इसमें गर्म पानी हो रहा है ऊपर, और एक तो ये ऊपर ढक्कन है तो जल्दी पक जाएगा। तो इतनी ठंड है ना यहाँ पे भाई, एक मिनट बाहर पे रह पाना बहुत डिफिकल्ट है। शायद हम कल यहाँ से वापस जाएंगे, लास्ट नाइट है अपनी विंटर कैंपिंग की। ज़्यादा इस चीज़ ने काफ़ी हेल्प करी हमारी, जो पत्थर है ना ये हवा को रोक रहे हैं, तभी थोड़ी हीट हो रही है, वरना तो भाई हवा चलती ना यहाँ पे। इसमें पानी पिया था मैंने, ये इसमें ना अभी पानी पिया था और ये बिल्कुल जम गया पानी, ऐसी बन गया मतलब। हाँ, ये देखो ऐसी हालत है यहाँ पे। टेम्परेचर मैं बोल सकता हूँ भाई -8 के आसपास होगा यहाँ पर टेम्परेचर, बट अपनी दाल उबल रही है, ऑलमोस्ट पक चुका है, 50% पक चुका है ये। 50% ऐसी हालत है भाई यहाँ पे। टेंट में दिखाओ ना ठंड का, ये है भाई आलम, ये बन गया अभी से एकदम, स्नो जमनी स्टार्ट होगी ऊपर टेंट में, वाइट। और अब फ्राई करेंगे दाल को। ठंड का तो मत ही पूछो यार, इतनी ठंड शायद ही कभी हुई होगी। दाल करेंगे फ्राई भाई गर्मा गर्म। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, ये चांद सा रोशन चेहरा, चुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तो यार अब पानी उबल चुका है, अब चावल डालते हैं। दाल बन रही है और यहाँ पे बन रही चावल। भाई का गाना सुना होगा आपने, तो यार अगर पसंद आए तो लाइक करना, और खाना बनाने के साथ साथ भाई को गाने का भी शौक, क्या बोलूँ मतलब शौक तो है ही है, साथ मतलब टैलेंट भी है भाई के पास, कि भाई गाना बहुत अच्छा गा लेता है भाई। तो फिलहाल वेट करते हैं चावल और दाल तो बन चुकी है, अब चावल बनने का वेट है। 2 मिनट में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल, तो दाल और चावल रेडी है, अब खाते हैं यार। और आग भी जली हुई है, जब तक आग जलेगी तभी तक बाहर भी बैठ पाएंगे हम। तो अब एक बार खाते हैं, उसके बाद सो जाना है यार एकदम, आज तो पूरी नींद लेने जम के। पहली बार 3600 मीटर की हाइट पे दाल चावल, गर्मा गर्म दाल चावल और साथ में आग, साथ में ठंड भी है बहुत ज़्यादा।
वाह खाना क्या बनाता भाई यार, मजा आ गया। अरे गजब, आज का दिन खाने के मामले में नंबर वन गया है सुबह से अभी तक। जिनमें जो खिचड़ी बनी थी ना खिचड़ी, वो भी बहुत बढ़िया थी, मजा आ गया। दाल राइस में भी मजा आया है ना, घर से आने के बाद दाल राइस हमने खाया ही नहीं थी। आज तो हमारा बिल्कुल हैवी खाना हो गया दिन से सुबह से अभी तक का। टाइम 9:30 हो चुका है रात का और अपना डिनर हो चुका है, तो हम आ चुके हैं टेंट के अंदर। और आज मैंने अंदर वाला लेयर भी लगा लिया है, तो इससे हवा रुकेगी। तो अब सोते हैं और रात को कुछ होने वाला तो है नहीं, अभी छूट भी नहीं हो पाएगा, तो सुबह ही दिखाएंगे यहाँ से, कंटिन्यू करेंगे। तो गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय, बाय बाय, मिलते हैं मॉर्निंग में। सो गुड मॉर्निंग, सुबह के 7:30 हो रहा टाइम और अभी जाके हम उठे हैं। आज हमारा day 4 है यहाँ पे चिपला केदार कैंपिंग ट्रैक का। तो कल रात ना सबसे ठंडी रात थी अभी तक की, -12 तक का टेम्परेचर था। तभी हम धूप आने का इंतज़ार करते, अब जाके उठे हैं। ज़्यादा दिखाता हूँ मैं यार क्या हालत है यहाँ पे, अभी तक मेरे जूतों से स्नो नहीं निकली है, ये पूरा वाइट है। यहाँ तक कि कल जहाँ हमने स्नो कैंपिंग करी थी वहाँ तक जो तेल था वो जमा नहीं था, लेकिन आज पूरा तेल भी जम चुका है बिल्कुल। और ज़्यादा टेंट वेंट तो पता ही है हमेशा की तरह, अभी पूरा वाइट हुआ हुआ है, ऐसा है सीन। तो अभी आज तो यहाँ से पैकिंग करनी है और आज वापसी है हमारी, तो अभी यहाँ से पैकिंग करनी है और सारा सामान यहाँ से समेट के नीचे जाना है। तो हमने टेंट वेंट सारा यहाँ से निकाल लिया है और सूखने के लिए वहाँ पर डाल दिया है, और सामान अपना लगभग आधा पैक हो चुका है। अब इसको बैग में डालना है और यहाँ पे बस थोड़ा क्लीन करना है, उसके बाद यहाँ से जाएंगे हम नीचे। और आज मौसम बहुत खूबसूरत बना हुआ है यार, यहाँ इस साइड को अभी सुनो काफ़ी ज़्यादा है। कल हमारा प्लान पहले था उस वाले टॉप पे कैंपिंग करेंगे, लेकिन वहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल रही थी तो हम इस वाले थोड़ा नीचे आए, फिर यहाँ पे टेंट लगाया हमने। और रात का टेम्परेचर -12 पे गया था, इससे जब इससे पहले हमने कैंपिंग करी थी स्नो बिल्कुल फुल स्नो में, वहाँ का टेम्परेचर भी 8 डिग्री था, उससे 4 डिग्री नीचे टेम्परेचर था यहाँ पे। बट हमने कल टेंट का अंदर वाला लेयर भी लगाया था, तो कोई ठंड बिल्कुल भी नहीं, सबसे गर्म रात रही मतलब ये मान सकते हैं आप। और अभी तो बस यहाँ से जाना है, 4 दिन हमें कंप्लीट हो गए हैं, आज पूरे 4 दिन हो गए हैं, तो अब निकलते हैं यहाँ से, बस टेंट सूखने का इंतज़ार हो रहा है। फिर चाय वाय देखते हैं अभी नीचे कहीं पे बनाएंगे, फिर जाके सीधे आज घर। तो ये था अपना स्नो कैंपिंग ट्रिप, तो आज हम वापसी जा रहे हैं नीचे घर को। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला जो सीरीज़ था आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और जो नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करना, क्योंकि कैंपिंग ट्रैकिंग और ट्रैवलिंग व्लॉग आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो यार अब करते हैं यहाँ से इस जगह को बाय बाय और निकलते हैं वापस घर को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।